सिख शख्स नूं खालिस्तानी कह के कुटमार करन वाले दोवां मुलजमां नूं हरियाणा पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया है। दस दिए कि चार दिन पहलां कैथल दे विच इक सिख शख्स नूं निशाने ते लिया गया सी जदों उसकी कुटमार की गई सी, उसके केसां की बेअदबी की गई सी ते उसनूं बुरी तरह कुटिया गया सी ते खालिस्तानी कह के दो बाइक सवारां ने उसनूं कुट दिता सी, जिस तों बाद मामला सामने आया, मीडिया दा सुर्खियां बणिया ते हुण हरियाणा पुलिस दे वल्लों दोवां मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जींदा रहण वाला है ते दूजा कैथल दे पिंड शेरगढ़ दा रहण वाला है, एक फाइनेंसर है ते दूजा टैक्सी ड्राइवर है। दोवां दी उम्र 30-32 साल है। उन्हां दा कहना है कि असीं शराब दे नशे च सी, जिस तों बाद उन्हां ने पीड़ित सुखविंदर नूं खालिस्तानी कह के उसकी कुटमार कर दित्ती। इस संबंधी कैथल दी SP उपासना ने दस्सिया कि 10 जून की रात को 9:55 ते बस स्टैंड के नेड़े दो बाइक सवारों के वलों एक सिख व्यक्ति सुखविंदर सिंह की कुटमार की गई सी, जिस तों बाद पुलिस ने धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण का मामला दर्ज कर लिया सी। इस मामले दे विच 5 मैंबरी सिट का भी गठन किया गया सी ते हुण पुलिस ने काफ़ी मशक्कत तो बाद दोवां मुलजमान नूं काबू कर लिया। दस दिए कि पंथक धिरां दे वलों SGPC दे वलों भी इसका करड़ा इतराज़ जताया गया सी क्योंकि इस इंसीडेंट नूं कंगना रणौत नाल जोड़ के भी देखा जा रहा सी। हुण दोवें मुलजम पुलिस दी गिरफ्त च ने। जो 10 जून को एक इंसीडेंट हुआ था जो फाटक पे, तो वहाँ पे एक विक्टिम था सुखविंदर, उनके साथ दो लोगों ने हाथापाई की थी और उनको धार्मिक भावना आत करने वाले कुछ वर्ड बोले थे, तो उसमें हमारी तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई थी। हमारी तरफ से SIT DSP गोविंदर जी के अंडर में एक SIT बनी थी जिसमें 5 मेंबर की एक टीम थी। उसके अलावा भी हमारी जो SHO सिविल लाइन है उनकी 2 टीमें थी, उसके अलावा CIA की 3 टीमें थी और साइबर सेल, इन सब की मेहनत से काफ़ी फुटेज चेक की गई थी। इसमें जो अक्यूज्ड थे अननोन थे, विक्टिम उनके बारे में नहीं बता पाया था कि कौन अक्यूज्ड है, 2 बाइक पे थे तो उसमें काफ़ी फुटेज चेक की गई थी। उसके अलावा जो 2 विटनेस थे उन्होंने कुछ बाइक का आधा अधूरा नंबर हमें बताया था, तो उसकी भी पूरी हमने उस सीरीज़ की सारी जो बाइक की नरवाना की थी तो वो पूरी हमने SDM नरवाना के ऑफिस से पूरी डिटेल ली वहाँ पे। उसके अलावा जो फुटेज थी उस फुटेज में हमें थोड़ी कुछ फोटो मिली थी जिसको चेक कराया और जो बाइक के नंबर थे उससे मैच कराते हुए हमें जो 2 अक्यूज थे उनके बारे में पता। इनमें से एक इशू है जो कि जिम के सिंगवाल का रहने वाला है और दूसरा सुनील है जो गांव शेरगढ़ का रहने वाला है। इन दोनों को जो जिम में जिम के पेगा गांव से इन दोनों को आज काबू कर लिया गया है। इन्हीं दोनों से अभी पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा अभी तक की जो हमारी पूछताछ आई है उसमें इसके अगेंस्ट जो इशू है इसके अगेंस्ट 2 FIR पहले भी आर्म्स एक्ट की रजिस्टर है। बाकी हमारी तरफ से पूछताछ की जा रही है। तफ्तीश में निकल गया मामला क्या था, क्या मतलब खालिस्तान पे प्राइमरी अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इनमें फाटक बंद थी, फाटक पे जो विक्टिम है वो स्कूटी पे थे और जो अक्यूज्ड है ये दोनों बाइक पे थे और वहाँ पे इनकी आपस में जल्दी निकलने को लेके इनकी आपस में कहा सुनी हुई थी। दोनों ने मैं भी कुछ अमाउंट पेंडिंग कर रखी थी अभी तक जितना प्रिमिनरी हमें पता लगा है, तो उन पे इनकी जल्दी निकलने के चक्कर में कहा सुनी हो गई, गाली गलौच हुई है, वहीं पे इनकी तरफ से कुछ वर्ड्स बोले गए हैं तो उसके बारे में अभी जो वर्ड्स बोले गए हैं उसमें हमें अच्छे से पूछताछ करने की ज़रूरत है। अभी अगर पूछताछ की जा रही है तो जो भी आगे इसमें खुलासा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मतलब पहले कोई रंजिश नहीं थी, पहले आपस में दोनों एक दूसरे को तीनों आपस में एक नहीं जानते थे। इनका जो फाटक पे आपस में जो हुई है जो कहा सुनी हुई है जो गाली गलौच हुई है वो वहीं पे हुई। एज क्या है दोनों की? इनकी अप्रोक्स 30 ईयर्स की एज है। इनमें जो इशू है ये कुछ फाइनेंस का काम करता है और जो दूसरा सुनील है वो टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी चलाने का काम करता है। जैसे पहले बताया उसमें थोड़ा ये भी नशे में अभी प्रिलिमिनरी तौर पे पता लगा है तो उसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने कुछ मतलब शराब कंज्यूम कर रखी थी, कितने अमाउंट में थी वो हम अभी उसमें कमेंट नहीं कर पाए। जैसे 10,000 रुपये का इनाम रखा था वो नहीं किसी को दिया जाएगा वैसे किसी ने सोखा वगैरह। अभी इसमें हम देख लेंगे क्योंकि अभी CIA की टीम ने और हमारी साइबर और SHO इनकी टीम ने तो पूरी मेहनत की है, इनके
इनको कहीं से इनपुट मिला होगा तो रिवॉर्ड जिसका बनता होगा उसको दिया जाएगा। थैंक यू मैम। जोड़ने की बात कर रहे थे, इसमें जो सेक्शन है उसमें 323 था, 506 था, 295 ए है, उसके अलावा 308 सेक्शन में ऐड किया था। 307 की आवाज़ रखी गई, इस पर क्या फीलिंग है? इसमें 308 क्योंकि हमें लीगल प्रोविज़न देखना पड़ेगा, इसमें जो बनती थी, जो धारा बनती थी वो 308 की कैटेगरी में थी, तो हमने 308 को इसमें ऐड किया।